Good afternoon. This is the news we're getting right from Mumbai, where Trupti Desai has reached Haji Ali. Trupti Desai of Bhumata Rangaragiri Brigade is with her supporters at Haji Ali. She's entered Haji Ali. She will go till the point where women are allowed to enter at the moment. Trupti Desai, who had said on Friday that she would go to Haji Ali after the Bombay High Court allowed women's entry to the inner sanctum, she has reached Haji Ali. First reaction coming. सबसे पहले तो जब आंदोलन तब गेट के यहाँ से ही हमें पीछे जाना पड़ रहा था. आज मुस्लिम बांधव हमारी जो बहना है उन्होंने भी सपोर्ट किया, आज पुलिस ने भी सपोर्ट किया. आज बहुत अच्छा हमें फील हो रहा है कि आज वहाँ तक जाने के लिए कोई भी बीच में नहीं आया, किसी ने कुछ गलत घोषणा नहीं दी, किसी ने निषेध नहीं किया. मतलब सभी जो है वो नारी शक्ति के साथ है, आज ये पता चला है. और मैं सबका आभार मानती हूँ, सब मीडिया की आभारी हूँ, सब जो मुस्लिम भाई बांधव, सभी जो देश की जो जनता है सबकी आभारी हूँ कि हमारे आंदोलन में जैसे मीडिया ने हमें सपोर्ट किया वैसे ही जनता ने किया. हाईकोर्ट का जो फैसला आया है ये बहुत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला है. तो मैंने अभी हाजी अली दरगाह में पिछली बार जब हम आए थे तभी हमने दुआ मांगी थी कि हमारे बाजू से जो है वो महिलाओं को प्रवेश मिले, कोर्ट का ऑर्डर हमारे बाजू से हो. इसलिए हमारी दुआ, हमारी जो मन्नत पूरी हुई इसलिए हम हाजी अली बाबा के द्वार पे आए थे. उनका हमने दर्शन लिया, उनको चद्दर चढ़ाई और उनसे फिर से प्रार्थना की कि अगली बार जब आएंगे तो सम्मान पूर्वक मजार तक दर्शन के लिए ही आएंगे. लेकिन लड़ाई अभी तक पूरी हुई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में अभी जाना बाकी है, सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या देखते हैं? जहाँ तक सर्वसाधारण पुरुष और महिलाएं जाती है वहाँ तक ही आज गए, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसका उल्लंघन हमें नहीं करना था, हाईकोर्ट का आदेश का भंग नहीं करना था. और जल्द से जल्द हमें लगता है कि 6 हफ्तों की जो है वो मुदत हमें स्थगिति मिली है. आगे जो ट्रस्टी का निर्णय है सुप्रीम कोर्ट में जाना है या नहीं, लेकिन मेरी ट्रस्टी को भी विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा जो निर्णय दिया है वो महिलाओं के बाजू से दिया है, उसका स्वागत करके आप शांति से विचार करें. और मुझे लगता है कि 2 ही दिन के अंदर अगर उन्होंने विचार किया तो मजार तक दर्शन भी शुरू हो जाएंगे. मेरी ट्रस्टी से ये बहुत हाथ जोड़ के जो है वो विनती भी है. और सुप्रीम कोर्ट में फिर भी अगर वो गए तो हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ अलग निर्णय नहीं होगा, क्योंकि संविधान को लेके और जो महिलाओं के ऊपर जो अन्याय हुआ था 2011 के पहले अगर यहाँ पे प्रवेश था तो वो जारी रखना चाहिए. वही निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होगा, यही हमारा 100% आत्मविश्वास है. हम जब हाजी अली दरगाह में दर्शन लेने के बाद वहाँ पे मैंने पूछताछ की, लेकिन आज कोई भी ट्रस्टी संडे होने के कारण नहीं ऐसा कारण बताया गया, इसलिए मैंने यहाँ से उनको अपील की है. लेकिन मुझे लगता है कि ट्रस्टियों ने जो है वो हाईकोर्ट का आदेश का पालन करना चाहिए, क्योंकि पिछली बार जब हम आंदोलन के लिए आए थे तब उन्होंने कहा था कि जो कोर्ट में होगा उसके बाद हम आपको छोड़ेंगे, लेकिन आज कोर्ट का फैसला आया है तो अभी वो बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. तो मुझे लगता है कि ये महिलाओं को जो समानता का अधिकार मिलना चाहिए वो दरगाह हो या सभी जाति धर्म के मंदिर में ये प्रवेश होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, संविधान का आदर करना चाहिए. लेकिन मुझे लगता है कि ट्रस्टियों ने ये बात नहीं मानी है, वो कहीं ना कहीं बीच में इस्लाम धर्म को लाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन हमारा आंदोलन कभी भी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं था, ये महिलाओं के हक और अधिकार की लड़ाई थी, वो यशस्वी हुई है, उसमें जो है वो महिलाएं जीत गई है. और मुझे लगता है कि ये हाईकोर्ट का जो निर्णय है इसका स्वागत करके जहाँ जहाँ पे ऐसा भेदभाव किया जाता है संविधान का पालन करके सभी ट्रस्टियों ने आगे आकर महिलाओं की जहाँ प्रार्थना स्थलों में असमानता दिखाई दे रही है वहाँ पे आगे आकर महिलाओं को प्रवेश देना चाहिए. शनि सिंगणापुर हो गया, त्र्यंबकेश्वर हो गया, हाजी अली हो गया, अगला पड़ाव आपके लिए क्या है? शनि सिंगणापुर का आंदोलन, त्र्यंबकेश्वर, महालक्ष्मी मंदिर और हाजी अली दरगाह, चारों आंदोलन जो है वो यशस्वी हुए हैं. अभी आगे की जो लड़ाई है वो शबरीमाला मंदिर जो केरल में है वो है. तो हमें लगता है कि हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करके शबरीमाला मंदिर के ट्रस्टियों ने भी जो है वो अपने द्वार जो है वो महिलाओं के लिए खुले करने चाहिए. अगर उन्होंने नहीं किया तो कुछ ही दिन में जो है वो शबरीमाला मंदिर में हम प्रवेश
के लिए जो है वो आंदोलन करेंगे और ट्रस्टी से बातचीत करेंगे और उनसे भी विनती करेंगे। मराठी मध्ये एक आज दर्शन झालं कशा प्रकारे दर्शन झालं आणि जो निर्णय आला आहे त्याबद्दल सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे नारी शक्तीचा विजय झाला, भारतीय राज्यघटनेचा विजय झाला, या हायकोर्टाने जो निर्णय दिला, विरोधकांना जी जबरदस्त चपराट दिली त्याची आम्हाला खऱ्या अर्थाने खूप मोठी जी आहे ती खुशी आहे। कारण अनेक वेळा जेव्हा आंदोलनं केली गेली, आमच्यावर टीका केली गेली, अनेक वेळा जे आहेत ते चुकीचे शब्द वापरले गेले, हल्ले केले गेले, निषेध नोंदवला गेला, परंतु आम्ही हेच सांगत होतो की 1950 साली आम्हाला जो राज्यघटनेनं समानतेचा अधिकार दिलेला आहे तो द्या, आम्हाला जो राईट टू प्रेचा अधिकार आहे तो द्या, परंतु कोणी ऐकायला तयार नव्हतं। पण उच्च न्यायालयाने त्याच्यामध्ये जो निर्णय दिलेला आहे तो अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आणि महिलांसाठी जी आहे ती दर्ग्याची द्वारे खुरी झालेली आहे। ज्या प्रकारे हा निर्णय आलेला आहे आणि प्रशासनाचं काही बोलणं झालंय का तुम्ही, त्याचबरोबर आता सुप्रीम कोर्टात जाणं? So Trupti Desai dedicating this victory to the women of the nation. She saying that right to pray has achieved an important milestone with the Bombay High Court order. She's also appealed to the trustees to respect the court's order. Mustafa Sheikh, who's joining us. Mustafa, we do know the trustees of Haji Ali Dargah would be approaching the apex court. But it was interesting when the entire verdict came out. We also spoke to the petitioner, Zakia Soman, and her activists who have said that they will not support Trupti Desai's attempt to enter Haji Ali Dargah. Today, did we see support coming in from the petitioner to Trupti Desai's move? As far as the support from the women activists or the petitioner in the High Court in the Haji Ali Dargah case is concerned, there is no person seen as of now. But it seems to be there was some hidden understanding between the police and Trupti Desai. So she was allowed in that inside the Dargah, which is that she was allowed till the point where women are already allowed. So it's okay. Not that she was given entry inside the sanctum sanctorum. But yes, what is the development for her is that the last time she came in here, she was allowed only till the main gate, and from there she was detained and she was taken somewhere else. So at this point of time, she was allowed to enter the Dargah, and she's saying that she has prayed there, and her next target would be equality of women in Sabriwala Mandir. The case there is also sub judice. So yes, she says that she will continue this fight, and she's saying that the trustees should now relent after the High Court order, and they should allow women till the time they were allowed in 2011. So that the equal rights of equality can enter the Haji Ali Dargah and other religions also. Well, it's a long road ahead right now because the matter will go to the apex court. Trupti Desai also raking up Shabrimala's entry issue for women in this news conference. She addressed the media from Haji Ali. Thanks, Mustafa, for joining.